Assalamu alaikum students. This is Dr. Asir Ajmal with lecture number 32 of Forensic Psychology. We have spoken at length about different kinds of group interventions, especially about group therapy, and we also touched upon the phenomenon of group therapy for therapists. Isme main ek cheez arz karna zaruri samajhta hu ki group therapy for therapists sirf एक वाहिद तरीका नहीं है थेरेपिस्ट को सपोर्ट प्रोवाइड करने का. इसमें इंडिविजुअल सपोर्ट भी हो सकती है. बट एज आई मेंशन्ड वंस अर्लियर दैट ऑल थेरेपिस्ट्स नीड सुपरविजन, ऑल थेरेपिस्ट्स नीड सपोर्ट. दे मे नॉट इन एवरी केस नीड साइकोथेरेपी, बट ऑल थेरेपिस्ट नीड सम काइंड ऑफ emotional support as well as guidance for ongoing work with violent offenders. So, isme chahe group format mein kare chahe individual format mein kare, kuch na kuch is tarah ki intervention jo hai wo achhi hoti. But in any case, I touched upon systemic interventions in one of the previous lectures. Now, I'm going to talk about it in some depth. सिस्टेमिक इंटरवेंशन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने से पहले हमें सिस्टम को समझना जरूरी है. हमने जब साइकोलॉजी और साइकोथेरेपी की डेवलपमेंट देखी है तो उसमें एक चीज नजर आती है कि आवर फोकस इज ऑन द इंडिविजुअल, आवर फोकस इज ऑन द इंडिविजुअल एंड वी सी इंडिविजुअल इज कैरियिंग सम प्रॉब्लम्स. ठीक है, हम माशरे के रोल को मिनिमाइज नहीं कर रहे, अंडरस्टेट भी नहीं कर रहे, मिनिमाइज भी नहीं कर रहे, लेकिन हम एक चीज जरूर कर रहे हैं कि हम इंडिविजुअल को फोकस बना रहे हैं इस सारी सिचुएशन में, डिसऑर्डर्स का, वायलेंस का, प्रॉब्लम्स का. जो सिस्टम्स अप्रोच है वो हर ट्रांजैक्शन को एक सिस्टम के तौर पे देख रही है. उनका कहना ये है कि जनाब कोई एक शख्स जो है वो एक मुकम्मल सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर रहा माशरे में. माशरे में फैमिली कैन बी कंसिडर्ड अ सिस्टम. तो जो इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग है वो सिस्टम का हिस्सा है, और अगर वो इस सिस्टम के अंदर कुछ कर रहा है तो दैट इज रिफ्लेक्टेड इन दैट पर्सन्स बिहेवियर. पहले वी हैव टॉक्ड अबाउट द सिस्टमिक अप्रोच, बट नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ वी लुक एट वायलेंस एंड हाउ वी ट्रीट इट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यू नो, एंड दैट इज व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू ड्वेल एट सम लेंथ on this issue. Systemic intervention से क्या मुराद है? एक चीज है कि हम समझ लें, इस बात को अंडरस्टैंड कर लें, फुली ग्रास्प कर लें कि जी इंसान एक सोशल सिस्टम का हिस्सा है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो उसका वर्क प्लेस हो, चाहे कुछ. लेकिन अब हम बात कर रहे हैं इंटरवेंशन की, थेरेपी की, ट्रीटमेंट की. सो फर्स्ट स्टेप वी डू इज वी एनालाइज द सिस्टम जिसमें वो इंडिविजुअल मौजूद है. मसलन द इंडिविजुअल इज लिविंग इन स्लम, किसी कच्ची आबादी में रह रहा है. इज गॉट अ वाइफ हु वर्क्स इन अदर पीपल्स होम्स एंड बोथ ऑफ देम हैव सफर्ड ह्यूमिलिएशन एट द हैंड्स ऑफ पीपल. जो हस्बैंड है ही इज अ लेबरर और वो मेहनत मजदूरी करता है, ईंटें जो है वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, ठेकेदार के लिए काम करता है, और ठेकेदार जो है वो मुआवजा तो देता है लेकिन वो उसे बहुत बदतमीजी से बात करता है, उसे कॉन्स्टेंटली ह्यूमिलिएट करता रहता है. दूसरी तरफ उसकी बीवी जो लोगों के घरों में काम करने जाती है उसके साथ भी कोई अच्छी ट्रीटमेंट नहीं होती. नाउ Given this kind of paradigm, इस सिचुएशन में
अगर वो वायलेंस का इर्तकाब कर रहा है, लेट्स से एक साथी मजदूर से लड़ाई हुई और उसने उसके सर पे ईंट दे मारी, अ सिस्टेमिक साइकोथेरेपिस्ट वुड से कि जनाब उसके बचपन में क्या हुआ था, उसके टीनेज में क्या हुआ था, बाकी उसके माँ बाप के साथ कैसे रिलेशनशिप थे, ये चीज की हो सकता है कोई इंपॉर्टेंस हो, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा सिस्टम ऑपरेट कर रहा है उसमें वो शख्स एक पिसा हुआ शख्स है और वो अगर रिटेलिएट कर रहा है तो वो सिस्टम की खराबी है, तो आपने उस सिस्टम को चेंज करना है। सो द फर्स्ट थिंग वी डू इज वी एनालाइज द सिस्टम इन विच द इंडिविजुअल एग्जिस्ट। फर्स्ट वन, प्रिजन के अंदर एक शख्स लड़ाइयां करता है, तो क्या प्रिजन सिस्टम में ऐसी कौन सी चीज है जो उसे लड़ाइयां करने पर मजबूर कर रही है, ये चीज एनालाइज करें। वी हैव टू एनालाइज पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। सो अगर हम उस मजदूर के वायलेंट बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, तो हमने उसे लेट्स से कि हम उन दो सिस्टम्स में देखेंगे, द लेबरर एट होम, ये वो सिस्टम है जिसमें उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, उसके माँ बाप हैं, और उनके साथ हर एक के साथ उसका क्या रिलेशनशिप है, उन लोगों का आपस में क्या रिलेशनशिप है, आपस में किस किस्म की टेंशन है, किस किस्म की सपोर्ट है, वॉट इज गोइंग ऑन। ठीक है, बच्चे स्कूल जाते हैं नहीं जाते हैं, जाते हैं तो कौन से स्कूल में जाते हैं, घर क्या मैसेज वापस लेके आते हैं, बच्चों की डिमांड्स क्या है, बीवी की डिमांड क्या है, माँ बाप के प्रेशर्स क्या है, वी हैव टू लुक एट ऑल ऑफ दैट। देन वी हैव टू एनालाइज द वर्क सिस्टम कि उसकी जॉब में क्या स्पेसेस क्या है, किस फैसिलिटीज में वो काम कर रहा है, कितनी गर्मी में वो काम कर रहा है। ठीक है ना, वी हैव टू ऑल्सो लुक एट द फिजिकल एनवायरनमेंट कि अगर मई जून का महीना है और उसमें वो दोपहर में दीवारों में ईंटें लगा रहा है, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी डिफिकल्ट जॉब, खासतौर पर दोपहर के 2-3-4 बजे तो और भी मुश्किल, इंसान के लिए मुश्किल हो जाए। अच्छा, अब उसमें वो काम कर रहा है, ऊपर से ठेकेदार से कॉन्स्टेंटली बेइज्जती करवा रहा है, अब एक साथी मजदूर जो है वो अगर उससे कुछ बुरा भला कह रहा है या उसने कोई तंजिया कलमा कह दिया या उसकी बीवी को छेड़ दिया, इट कुड बी एनीथिंग, हां वी डोंट नो, लेकिन वो जो एक सिस्टम है उसको हमें पूरी तरह से समझना है। और फिर उस लेबरर का रिएक्शन कि उसने ईंट उठा के जो अपने साथी मजदूर के सर पे मारी है, उसको किस चीज ने प्रोवोक किया है। बट अ सिस्टेमिक व्यू विल नॉट सी दैट वर्कर इन आइसोलेशन, वो उसे इंडिविजुअली एज सेपरेट फ्रॉम द सिस्टम नहीं देखेगा। अब हम अक्सर कहते हैं ना कि जनाब ये सिस्टेमिक वगैरह जो जस्टिफिकेशन है ये लॉ इनको नहीं मानता, एंड आई एम सेइंग ठीक है, मैं उस शख्स से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं छीन रहा हूं उसके एक्शन की, आई एम सेइंग दैट पर्सन हैज टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, इफ देर इज अ लॉ देन दैट लॉ नीड्स टू बी अप्लाइड। अगर उसने किसी के सर पे ईंट मारी है, उसका सर फट गया है, तो हमें असॉल्ट के चार्ज के तहत उस शख्स को गिरफ्तार तो करना चाहिए। एट द सेम टाइम when we want to treat him, when we want to cure him of the problem of violence, lekin hum to is waqt baat kar rahe hain is therapist ki ek shakhs hai usne ko pichle 6-7 dafa uski ladaiyan ho chuki hain aur wo har situation mein violent ho jata hai, can we help him, can we treat his violence? theek hai, hum har dafa use 6 mahine ke liye jail bhej dein, fine karte rahe, lekin it's a much better idea to put him through some kind of treatment program. So systemic intervention wale jo hain, sabse pehle wo system ko samjhenge, khud therapist jo hai us symptom ko, system ko samjhe. Then the next thing we would do is we will work with the staff. Now who are the staff? Let's say the person is in prison. Theek hai, wo banda jail gaya hua hai already, aur jail mein jo staff hai unke sath bhi uski aksar ladai hoti hai. तो एक सिस्टमिक साइकोथेरेपिस्ट जो है सबसे पहले जेल के स्टाफ के साथ मीटिंग करे, जो उस पेशेंट के लिए, उस क्रिमिनल के लिए रिस्पॉन्सिबल है,
और उन्हें कहेगा जनाब इनके साथ मिलके बैठे हैं, थेरेपिस्ट जो हैं आप उनके साथ मिलके बैठें, बातचीत करें, समझें उस शख्स की क्या प्रॉब्लम है और हम कैसे उसे ठीक कर सकते। सो वंस वी हैव सम आइडिया वी कैन रन स्टाफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है, वी कैन रन स्टाफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। मतलब एक ग्रुप है 6-7 लोगों का जो उसे क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन में आता है, तो उन 6-7 लोगों को हम इकट्ठा करके उनके लिए एक वर्कशॉप कर सकते हैं कि जनाब इस शख्स की ये प्रॉब्लम्स हैं, ये सिचुएशंस जो हैं इनमें वो इरिटेट होता है, फलां सिचुएशंस में हम उसे हेल्प कर सकते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। देन एजुकेटिंग मैनेजर्स, मसलन जो लोग भी उसे मैनेज कर रहे हैं, उस सिचुएशन को मैनेज कर रहे हैं, उस हॉस्पिटल को या प्रिजन को मैनेज कर रहे हैं, अगर हम उन्हें एजुकेट करें अबाउट द कंडीशंस इन द प्रिजन। अक्सर आपने देखा होगा हम कहते हैं जनाब जेल जो है वो मुजरिमों की सबसे बड़ी तरबियत गाह होती है। तो अगर हम सोसाइटी में चेंज लाना चाहते हैं तो हमें अपनी जेलों में चेंजेस लाने पड़े, हमें अपने प्रिजन्स को चेंज करना पड़ेगा, ना सिर्फ चेंज करना पड़ेगा अब उसे ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। So that is what I would consider the biggest systemic intervention. और यह systemic intervention जो है सिर्फ उस एक मजदूर के लिए नहीं हो रही, ये उन सब prisoners के लिए हो रही है जो system में से गुजरते। So what will we do here? What will we try? What we'll do is we will educate managers. We'll have workshops for senior officers. For people in the home department, we will have workshops for policy makers. Try and educate them ki prisons ki maujooda conditions jo hain unme jaraim ki tarbiyat hoti hai, encouragement hoti hai, ek culture banta hai jaraim pesha logon ke liye, aur jis cheez ki zarurat hai ki hame is system ko transform karna hai taaki प्रिजन जो है सही मानों में एक री एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बने। प्रिजन का तो मकसद ही यही था ना, दीज आर रिफॉर्मेटरी इंस्टीट्यूशन। द आइडिया वॉज कि जो लोग यहाँ जाएं उनकी तरबियत इस तरह से की जाए कि वो निकल के एक अच्छा उनके पास जरिया माश हो, कोई उन्होंने स्किल्स सीखी हो, कोई उनकी तालीम की जाए, तरबियत की जाए। और प्रिजन ऑन द अदर हैंड हैव बिकम द डेंस ऑफ crime and criminal behavior. So, ek to ye hai. Dusre ye hai ki we need to work with relatives and friends. Systemic therapist jo hai, wo akele aadmi ke saath, individual ke saath kabhi bhi kaam nahi karta. So, ek taraf ya to staff ke saath kaam kar raha hai, ya to managers ke saath kaam kar raha hai, aur saath hi saath, agar ek aisa issue hai jahan family ke saath kaam kiya ja sakta hai, to wo relatives or friends ko zarur involve karta hai treatment mein. Because systemic therapist says, the person is not crazy, the society is crazy. So, what does it mean? What does it mean for a person like me to say ki ji society is mad? Maine abhi aapko bataya ki dekhiye prison system ko dekh le. Wahan drugs hoti hain aam taur par. Aksar criminals jo hain jo young age mein jaate hain unka pehla drug ka experience jo hai wo जेल में होता है। फिर जेल्स में हमें पता है कि होमोसेक्सुअलिटी बहुत ज्यादा होती है। देन वी ऑल्सो नो ये जेल में जो है पीपल लर्न मेक कॉन्टैक्ट विद अदर क्रिमिनल गैंग्स एंड दे डेवलप इनटू सीरियल मर्डरर्स, सीरियल क्रिमिनल। तो जब ये सारी सिचुएशन है, जब ये सारी सिचुएशन का हमें अदराक भी है, तो हम इसे क्यों नहीं चेंज करते? That is where a systemic intervention would focus. अच्छा, लेकिन सिस्टेमिक इंटरवेंशन करने वालों को ये भी एहसास है कि उनकी एक तकरीर से, उनके एक लेक्चर से ये नहीं होगा कि जनाब सारा महकमा जेल जो है वो पैकअप करेगा और घर को चला जाएगा और उसकी जगह को नई किस्म की यूनिवर्सिटी नुमा जेल बन जाएगी। दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन, वी नो दैट।
So how do we then approach it? We approach it very, very gradually. We make ourselves part of the system. And we try and achieve change in little steps. क्योंकि हमें पता है कि changes इसी तरह आते हैं. हाँ, लेकिन आवाज उठाते रहना चाहिए. तो अब इसी तरह इस लेक्चर के दौरान ये जो मैं बात कर रहा हूं, this is also a systemic intervention. क्यों? क्या आप में से बहुत से लोग जो हैं forensic psychology पढ़ रहे हैं इस वक्त, उन ये बात सुनेंगे, हो सकता है कि कुछ के जहनों पे इस बात का असर भी. और आप में से कुछ लोग जब फ्यूचर में डिसीजन मेकिंग पोजिशंस में होंगे, इंशाल्लाह पॉलिसी मेकिंग सिचुएशंस में होंगे, तो यू विल हैव एन इफेक्ट, एन इम्पैक्ट. इसी तरह इन माय मीटिंग्स विद सीनियर पुलिस ऑफिसर्स, विद द पीपल फ्रॉम द होम डिपार्टमेंट, द इंटीरियर मिनिस्ट्री, आई स्ट्रेस द पॉइंट of reforms, not just in the jail system, in the policing system. And I'm not saying that everything that I say or anybody else says will have an immediate impact. It is going to have some sort of effect. So, isko hum kehte hain systemic intervention, one step at a time, slow and gradual change, yet trying to win over policy makers, trying to win over stakeholders, trying to win over decision makers. अब इसमें बाज़ औक़ात जो एक छोटी सी एक्टिविटी, एक कोई छोटा सा जो काम है वो बहुत अहम हो जाता है, बहुत मरकजी अहमियत का हामिल हो जाता है. मसलन, let's say I run a group. अगर मैं अभी तक हुआ तो नहीं, लेकिन मेरा desire है कि मैं पुलिस ऑफिसर्स के लिए, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के लिए एक सपोर्ट ग्रुप रन करता. अब उस सपोर्ट ग्रुप में क्या होता है कि द सीनियर पुलिस ऑफिसर्स ब्रिंग देयर इमोशनल इश्यूज एंड डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स इन पुलिसिंग टू दैट ग्रुप एंड दे डिस्कस इट विद द साइकोलॉजिस्ट. अच्छा, अब नाउ व्हेन दे डिस्कस इट विद मी, आई ऑफर देम वेज टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स. I offer them ways to resolve their conflicts. I offer them ways to new ways to look at old problems and so on. So kya hoga? Iska impact kya hoga? Wo personally to unhe support mil jayegi, strength bhi mil jayegi, improve bhi ho jayengi unki performance. Lekin they will also realize the value of psychology, of forensic psychology. They'll realize the potential that we as forensic psychologists have to contribute to policing and making policing better. So that way we can use certain key types of groups as pivots of systemic intervention. Ki ek systemic intervention jo hai wo sirf is cheez ka naam nahi hai ki aapne ek system ko analyze kar liya aur uske bare mein ek justification le aaye ki janab ye bechara mazdoor jo hai apne halaat ka shikar ho gaya hai और इस वजह से उसने उसके सर पे ईंट दे मारी है. इट इज नॉट अबाउट एम्प्टी जस्टिफिकेशन. इट इज नॉट अबाउट गिविंग रीजंस एंड एक्सक्यूजेस. इट इज अबाउट ट्राइंग टू अचीव चेंज. लेकिन जो इसमें चैलेंज है वो ये है कि आप जो लॉन्ग टर्म चेंज है या लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन है उसके पीछे लठ लेके ना पड़ जाए. मसलन मैं ये कहूंगी जी, जब तक जेल का सिस्टम चेंज नहीं होगा कुछ चेंज नहीं हो सकता. एंड नाउ दैट इज अनप्रोडक्टिव, अनरियलिस्टिक. हाँ, अगर मैं ये कहूं कि जनाब इस वक्त मैं प्रिजनर्स के लिए फला फला और फला फैसिलिटीज प्रोवाइड करूंगा, मजीद इतनी फैसिलिटीज के लिए मुझे इस तरह के रिसोर्सेज दरकार हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो छोटी मोटी प्रॉब्लम हैं उनसे जरा आगे बढ़ के भी आवाज उठा सकता है इंसान कि जनाब इन प्रिजनर्स की जो लिविंग कंडीशंस हैं वो इतनी अच्छी नहीं है, क्यों ना हम इसको इम्प्रूव करें, क्यों ना हम इसमें कुछ चेंजेस लेके आए ग्रेजुअली एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम. बट व्हाट इज रिक्वायर्ड इन दिस काइंड ऑफ सिस्टेमिक इंटरवेंशन इज टू थिंग्स. और भी बहुत सी होंगी लेकिन टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ए, you should belong to that group. They should have some way of identifying with you.
अगर मैं महीने में एक दफा जेल का चक्कर लगाता हूँ, उन्हें लेक्चर देके चला जाता हूँ, तो उनके जहन में मेरी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। हाँ, बट इफ दे सी मी गोइंग टू द प्रिजन, टॉकिंग टू द क्लाइंट, टॉकिंग टू द स्टाफ, टॉकिंग टू द मैनेजमेंट, स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम देयर, लिसनिंग टू देयर कंसर्न्स, रिस्पॉन्डिंग टू देयर कंसर्न्स, देन दे विल से हाँ यार, ये बंदा वाकई हमें इंटरेस्टेड है, ये बंदा वाकई चेंज में इंटरेस्टेड है। फिर भी ये नहीं होगा कि उससे फॉरन वो चेंज हो जाएंगे, सब कुछ चेंज हो जाएगा, एटलीस्ट दे विल सी कमिटमेंट। तो एक चीज जो है वो बहुत जरूरी है कि जो इंसान इसको चेंज करना चाह रहा है किसी सिस्टम को, उसकी जो बिलोंगिंगनेस है, उसकी जो आइडेंटिटी है, कोई ना कोई जरूर उस जगह के साथ जिसे वो चेंज करना चाहे। अगर आप, अगर प्रिजन सर्विस वाले जो हैं वो दिखाएंगे जनाब ही इज वन ऑफ देम, ही इज नॉट वन ऑफ अस, फिर चेंज नहीं आ सके। तो दे हैव टू सी, जो भी कोई एजेंट ऑफ चेंज है, जो भी कोई साइकोलॉजिस्ट है, थेरेपिस्ट है, और वो प्रिजन सिस्टम को चेंज करना चाह रहा है, तो दे हैव टू फर्स्ट मेक देमसेल्व्स इनटू वन ऑफ द प्रिजन स्टाफ। दे हैव टू बिकम one of, you know, they may, maybe they could volunteer as a prison psychologist, maybe they can offer therapy to prisoners, they can offer support to the staff. Acha ab yahan main ek aur wazahat karu, I'm choosing two different words. America ya England mein agar aap kahe na ki janab police ko, police walon ko hum therapy provide kar rahe hain, wo bahut khush honge, aur foreign जो है आपके आगे लाइनें लग जाएंगी और वेटिंग लिस्ट बन जाएगी थेरेपी, ठीक है। पाकिस्तान में ऑन द अदर हैंड, इवन इफ यू ऑफर इट फॉर फ्री, पुलिस ऑफिसर्स आर नॉट वेरी लाइकली टू टेक योर ऑफर, आर नॉट लाइकली टू एक्सेप्ट योर ऑफर। उसकी वजह यह कि साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट और थेरेपी, these are still dirty words in Pakistan. इंसान को थेरेपी लेने के लिए पागल होना जरूरी है, और पागल एक ऐसा लफ्ज है जो गाली है। That is why I said these are dirty words. तो ऐसा हो चुका है कि जनाब हमने पुलिस वालों को एक वर्कशॉप पे बुलाया और कहा जनाब अपनी स्ट्रेसेस हमसे शेयर करें, तो कहा जी हमें कोई स्ट्रेसेस नहीं होते। अब वी नो कि कितने होते हैं, लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट ऐसा बन जाता है। तो उसमें बहुत जरूरी होता है आई थिंक कि जब हम क्लाइंट्स की बात करें, क्रिमिनल्स की बात करें, पेशेंट्स की बात करें, तो हम शायद थेरेपी का वर्ड यूज कर सकें, लेकिन जब हम पुलिस ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं, प्रिजन ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं, तो हमें सपोर्ट का लफ्ज यूज करना चाहिए, ना कि थेरेपी। सो इफ आई से वी प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड बैकअप for police official, they're more likely to accept it. Acha, now this is an example of a systemic intervention. Jo hum ek system mein dakhil hona cha rahe hain, usme friendship banana cha rahe hain, usme links banana cha rahe hain, usme change lane ke liye, to hame alfaz ka intekhab bhi soch samajh ke karna hoga. Kafi samajhna hoga ki falan lafz ki kya ahmiyat hai is context mein. Why is it important to choose our words carefully and impact the staff, the decision makers, the stakeholders in a particular situation. Ab systemic therapy jo hai uska ek aur naam bhi hai, jaise maine aapse pehle arz ki, family therapy. फैमिली थेरेपी में होता है कि वो क्लाइंट को अकेला लाने की बजाय पूरी फैमिली को वहां पे लाए और उसके साथ एक्चुअली वहीं पे थेरेपी करते। अब ये थोड़ा सा इस पे ट्विस्ट है ना, यहाँ सिस्टेमिक इंटरवेंशन के अंदर हम ये कर रहे थे कि पूरे सिस्टम के साथ काम कर रहे थे, वी वर वर्किंग इन डिफरेंट कैपेसिटीज विद डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द सिस्टम। फैमिली थेरेपी में हम ये करते हैं कि हम पूरी फैमिली को क्लाइंट बना लेते, चाहे हम ये समझें कि प्रॉब्लम्स तो एक ही बंदा कॉज कर रहा है,
हमें नजर आ रहा है कि जी इस शख्स को प्रॉब्लम है, लेकिन हम ये कहते हैं कि जरा पूरी फैमिली बीमार है और ये शख्स सिर्फ एक सिम्टम्स एक अलामत शो कर रहा है उसकी, जो प्रॉब्लम है वो तो पूरी फैमिली के साथ। तो उसमें क्या होता है कि फिर पूरी फैमिली से सवाल किए जाते हैं, जिस तरह ग्रुप थेरेपी में होता है हम फैमिली का आपस में इंटरेक्शन ऑब्जर्व करते हैं, और उस इंटरेक्शन ऑब्जर्व करने से हमें क्या पता चलता है, हम उसमें फिर पार्टिसिपेट भी करते हैं, हम उसमें थेरेपी भी प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ असेसमेंट नहीं करते। उसे सिर्फ ये नहीं होता कि हम कहें जी कैसे हमें ये पता चला है ये शख्स फलां को नापसंद करता है, बाप बेटे से इस तरह पेश आता है, बेटी माँ से इस तरह पेश आती है, वगैरह वगैरह। तो इन सारे किस्सों में हम थेरेपी भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। द थेरेपिस्ट एंटर्स द सिचुएशन एंड प्रोवाइड्स अ डायनामिक मैकेनिज्म ऑफ चेंज। मसलन मैं आपको एक बताऊं, थेरेपिस्ट कहता है जनाब एक बड़ा सा कागज रख देता है और कहता है इसमें मिल के आपने एक घर बना, घर की ड्राइंग करनी है, उसमें फिर कलर भी करना। अब उसमें जिस तरह बाप माँ बेटा बेटी भाई बहन आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, उस घर को बनाने की कागज पे जो प्रोसेस है उसमें थेरेपिस्ट इंटरवीन कर देगा और कहेगा अच्छा अब ये जो आपने ड्राइंग रूम जो है इसका कलर मिलके डिसाइड करना है और फिर उसके बाद आपने उसको पेंट करना है, एंड सो ऑन। ही कैन मेक वेरिएशंस ऑन द टास्क एंड नॉट ओनली असेस द फैमिली, ही कैन मेक देम कोऑपरेट, ही कैन मेक देम वर्क टुगेदर। इसकी बहुत बड़ी मिसाल ये होती है कि जनाब फैमिली को होमवर्क दे दिया जाता है और थेरेपिस्ट ये कहता है कि आप लोग इकट्ठे मिलके जाएं, इकट्ठे मिलके काम करें और फलां प्रोडक्ट बना के लेके। अब इसमें क्या होता है कि बिकॉज द फैमिली वर्क्स टुगेदर देयर कॉन्फ्लिक्ट समटाइम्स आर रिजॉल्व्ड बिकॉज दे हैव टू कोऑपरेट इन ए टोटली डिफरेंट टास्क। अब वो किस किस्म का टास्क होगा इस वक्त मिसाल देना इसलिए मुश्किल है कि डिफरेंट सिचुएशंस आर यूनिक, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मसलन फर्ज करें मैं कहता हूं कि जनाब आप लोगों ने मिलके काम करना है, तो अगले हफ्ते जब आप आए आप फलां चीज बना के लाएं, आप कोई ऑब्जेक्ट बना के लाएं। इसमें मैं एक चीज जो इस्तेमाल कर रहा हूं वो कहता हूं जनाब एक फैमिली बुक, फैमिली हिस्ट्री बुक लेके आए। जैसे एक तो होती है ना एल्बम होती है तस्वीरों की, तो आप ये करें कि मुख्तलिफ तस्वीरें उसमें लगाएं और एक फैमिली स्टोरी हो उसमें, लाइफ स्टोरी हो फैमिली, ये फैमिली कब शुरू हुई और इस फैमिली के शुरू होने के बाद ये डिवेलप कैसे हुई, इसकी ग्रोथ कैसे हुई, कौन कौन लोग उसमें आए, कौन कौन लोग उसमें से फिर गए। ये भी तो होता है ना फैमिली में से कुछ लोगों का इंतकाल हो जाता है, फिर कुछ लोगों की शादी हो जाती है तो वो फैमिली को छोड़ के चले जाते, एंड सो ऑन। तो अगर फैमिली को कहा जाए कि जनाब आपने मिलके करना है तो दैट कैन बिकम एन इंटरवेंशन, तो उस फैमिली को एहसास होता है कि वो किस तरह एक दूसरे पे असरअंदाज हो, एक दूसरे के लिए उसमें हर मेंबर की कितनी अहमियत है, एक बेटे के लिए उसके बाप की क्या अहमियत है, एक बेटी के लिए उसकी माँ की क्या अहमियत है, एक भाई के लिए उसकी बहन की क्या अहमियत है, एंड वाइस वर्सा। सो दीज काइंड ऑफ फैमिली इंटरवेंशन आर कैरिड आउट। अब फैमिली इंटरवेंशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यू डेवलपमेंट विच इज कॉल्ड नैरेटिव थेरेपी। नैरेटिव थेरेपी वॉज डिवेलप्ड बाय अ मैन कॉल्ड माइकल वाइट इन ऑस्ट्रेलिया। माइकल वाइट जो थे, जो हैं अल्लाह की फजल से, उन्होंने बहुत सारा काम किया है प्रिजनर्स के साथ, ऑफेंडर्स के साथ, और ऐसी सिचुएशंस में काम किया है जहां बिल्कुल आप समझें कि होप नहीं रही थी। एक क्लाइंट है वो रिपीट ऑफेंडर है, हमें पता है जैसे ही हम उसे रिलीज करेंगे वो फिर से जाके ऑफेंस करेगा, अब क्या करें। माइकल वाइट ने एक नजरिया दिया जिसे हम कहते हैं नैरेटिव थेरेपी। उसकी बेसिक असम्पशन ये है कि हम इंसान जो हैं वो नैरेटिव्स
जीते हैं। क्या मतलब है इसका? ये थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, लेकिन आई एम श्योर वंस आई एक्सप्लेन इट टू यू आपको समझ में आ जाएगा। वी लिव आवर नैरेटिव्स, यानी वी लिव आवर स्टोरीज। हाउ इज इट? क्या मतलब है इस बात का कि हम अपनी स्टोरीज में, अपनी कहानियों में जीते हैं? अक्सर औकात आपने देखा होगा, आप किसी से बात करें तो वो कुछ इस किस्म के जुमले कहते हैं, जनाब मुझे तो ऐसे लोग पसंद हैं जो मुंह पे बात किया करें साफ साफ, मुझे तो ऐसे लोग पसंद हैं जो पीछे गीबत ना करें, बुराई भी करनी है तो मुंह पे करें वगैरह। और मेरा असूल यह है कि मैं खरी खरी सुनाता। अब इसी तरह को और साहब होंगे, वो इसको किसी और तरह से अप्रोच करेंगे। वो कहेंगे जनाब जो कुछ भी है, इख्तलाफ भी है, मुझे तो ये बात पसंद है कि इंसान शाइस्तगी का दामन हाथ से ना छोड़े। भाई अक्सर लोग पीछे जो मर्जी बोलते हैं उनको बोलने दिया कर, लेकिन मुंह पे आके इस तरह बदतमीजी करना जो है मुझे हरगिज पसंद है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप अपने बारे में क्या कह रहे हैं, ठीक है। इसी तरह इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं, मुझे फलां चीज पसंद है, फलां चीज ना पसंद है, मैं बचपन से ही फलां चीज को पसंद करता था, फलां चीज को पसंद नहीं करता था, ठीक है। इस तरह के बहुत से छोटे छोटे स्क्रिप्ट्स हैं जिनको हम इकट्ठा करके एक स्टोरी बनाते हैं, और वो स्टोरी जो है वो न सिर्फ ये कि हमारे पास्ट को एक्सप्लेन कर रही होती है, हमारे फ्यूचर को भी डिटरमिन कर रही होती है। मसलन अदालत मुझे कहती है कि तुम एक आदि मुजरिम हो, तुम पिछले 10 साल से जराइम का इर्तकाब कर रहे, ठीक है, तुम्हें मजीद 2 साल कैद सुनाई जाती है फलां जुर्म। अब मैं उस एक्सपीरियंस के बाद, उस सेंटेंस के बाद जेल में आता, तो मेरे जो दोस्त हैं उनमें मेरी बड़ी धाक है इस बात की कि मैं एक बड़ा पुराना मुजरिम हूँ, एक्सपीरियंस्ड आदमी हूँ, और मैंने इस तरह के बहुत से मुख्तलिफ काम किए हुए हैं। अब इस स्टोरी को मैं आगे बढ़ाऊँ, ठीक है। लेट्स टेक द ऑपोजिट एग्जाम्पल। मैं एक इल्मी घराने में पैदा हुआ, मेरे खानदान में लोग जो हैं वो तालीम हासिल करने को बहुत अहम समझते, मुझे बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था, मैं पढ़ता चला गया, फर्स्ट डिवीजन हमेशा हासिल की, एमएससी में टॉप किया, अमेरिका से पीएचडी की वगैरह वगैरह। एक पूरी एक स्टोरी जो है वो मैं अपनी जी रहा हूँ, और आगे भी मैं जो कुछ करूँगा वो स्टोरी के साथ फिट करेगा तो करूँगा, वरना नहीं करूँगा। तो इस चीज को माइकल वाइट ने कैप्चर किया, और उन्होंने कहा जनाब पॉइंट्स भी जो हैं उनकी बड़ी ही गंभीर स्टोरीज बनी हुई। एंड हिज सेकंड अजम्पशन वाज दैट मोस्ट क्रिमिनल्स हैव नेगेटिव स्टोरीज, नेगेटिव नैरेटिव्स। अब आप कोई भी बचपन ले लें, कोई भी जवानी का अरसा ले लें, कोई भी जिंदगी का टाइम ले लें, कोई भी ड्यूरेशन आपकी लाइफ में ऐसी नहीं होती जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की चीजें ना हुई हो, ठीक है। लेकिन जब इंसान अपनी एक स्टोरी बना रहा होता है तो वो एक पैटर्न के तहत बना रहा होता है। अगर वो नेगेटिव स्टोरी है तो उसमें से पॉजिटिव चीजों की डिटेल निकल जाती है। अगर वो एक आदि मुजरिम की स्टोरी है तो उसमें बचपन की दोस्ती, प्यार मोहब्बत, खेल, आपस में कोऑपरेशन, रिस्पेक्ट, बिलोंगिंगनेस, ये सारे रिलेशनशिप जो हैं इनकी डिटेल्स ख़त्म कर दी जाती हैं, बंदा अपनी नेगेटिव स्टोरी ही जी रहा होता है, एंड दैट कैन बी अ सीरियस प्रॉब्लम। माइकल वाइट ने कहा कि जनाब थेरेपिस्ट का काम यहाँ पे है टू रीराइट द स्टोरीज, to rewrite the narrative,
कि हमने इन स्टोरीज को दोबारा से लिखना है, दोबारा से तरतीब देना है, ताकि वो पेशेंट उस नेगेटिव स्टोरी के, उस चोर की स्टोरी के, उस डाकू की स्टोरी के जाल में से निकले और एक नई स्टोरी बनाए। तो ये अमर कैसे अंजाम दिया जाता है, हाउ डू वी अकम्पलिश दिस? और इसमें जो है नैरेटिव थेरेपिस्ट ये कहते हैं कि जनाब हम दो मेन टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, एक है क्वेश्चंस, दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्स। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने खुद इस थेरेपी में काफी ट्रेनिंग हासिल की है, इट्स नॉट एज सिंपल एज इट सीम। सिर्फ ये नहीं है कि जी क्वेश्चंस और कॉम्प्लीमेंट्स, देयर इज अ लॉट मोर टू इट। लेकिन जो दो बेसिक प्रिंसिपल इसके सुतून हैं वो यही हैं, क्वेश्चंस हैं और कॉम्प्लीमेंट्स हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। क्लाइंट आता है, आप उसे पूछते हैं क्या हाल चाल है आपका, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। क्लाइंट आपको बताना शुरू करता है कि जनाब मैंने गुस्से में किसी शख्स पे चाकू निकाला था, मारा तो नहीं लेकिन लड़ाइयां अक्सर होती हैं और उन लड़ाइयों की वजह से मुझे अक्सर पुलिस पकड़ के ले जाती है और उन लड़ाइयों की वजह से अक्सर मोहल्ले वाले जो हैं वो मुझे बुरा भला कहते हैं और उसके जवाब में मैं मजीद लड़ाई करता हूं। तो वायलेंस एक कॉन्स्टेंट ऑन गोइंग प्रॉब्लम है जो मेरे साथ हो रही है। Now, here, I would say, कि अच्छा कब से हो रही है? Notice, I've asked a question, कब से ये problem? वो कहते जी बचपन से ही, right? मैं कहता हूँ अच्छा बचपन में कब से? वो कहते जी बिल्कुल शुरू से, मैं मसलन 3 साल की उम्र। वो क्या कह, नहीं जी नहीं, 3 साल तो बहुत छोटे, जब से मैंने स्कूल जाना शुरू किया तब से। तो अब आप कहें कि अच्छा तो जब आप क्लास 1 में थे, अव्वल जमात में थे, तब से शुरू। वो तो कहेगा हो सकता है कि कहे कि नहीं जी मैं, मेरा ख्याल है ये 6वीं 7वीं जमात से शुरू हुआ। अच्छा 6वीं 7वीं जमात से आपने लड़ाइयां शुरू की, तो पहली से 5वीं का आपका दौर कैसा गया? अब मुझे एज ए थेरेपिस्ट क्लियरली एक ओपनिंग मिल गई। किस चीज की ओपनिंग? एक स्टोरी की ओपनिंग। अब यहां ये समझें कि मेरा गोल क्या है। मेरा गोल ये है कि उसने एक स्टोरी बनाई है अपनी पेशेंट ने, जो 6वीं जमात से शुरू होती है और उसमें सिर्फ लड़ाइयां, ठीक है, उसे अपनी हर लड़ाई याद है, उसकी डिटेल्स याद है। और अब मैंने क्या किया कि मैंने उसे पहले तो उस दौर में ले गया जब उसकी लड़ाई नहीं होती। अब मैंने उसे एक और सवाल पूछा, अच्छा क्लास 1 आपको याद है कुछ स्कूल का जमाना? जी बिल्कुल याद। तो जब आप क्लास 1 में थे आपके बेस्ट फ्रेंड्स कौन थे? वो अचानक सोच में पड़ गया और उसने कहा जनाब मेरे बेस्ट फ्रेंड्स थे एक बच्चा था और एक और, हम 3 दोस्त थे। आपने कहा अच्छा तो उन बाकी 2 के नाम क्या थे? तो वो फिर सोचने लगा कि उसने कहा कि एक तो नईम था, बड़ा अच्छा दोस्त था मेरा, और दूसरा तलत, और हम तीनों जो हैं वो इकट्ठे घूमा करते थे ग्राउंड में, टहला करते थे, खेला करते थे, आपस में बातें किया करते थे, तो हम 3। अब आप ये नोट करें कि जब कोई थेरेपिस्ट किसी से पूछता है तो ये पूछता है कि जनाब आपको ये परेशानी कब से है, आपको ये तकलीफ कब से है, आप कब से लड़ रहे हैं, कितनों के सर फाड़े हैं, आपको कितना गुस्सा चढ़ा हुआ था, यहाँ पे क्या हो रहा है? मैं उससे उस जमाने के बारे में पूछ रहा हूं जहां मैं उसकी एक अच्छी स्टोरी डेवलप कर सकता हूं। तो अब टारगेट मेरा क्या है?
पेशेंट ने एक मनफी स्टोरी बनाई हुई है अपनी, मैंने उसे उसी की जिंदगी के वाकयात से मिला के एक पॉजिटिव स्टोरी बनानी है। अब उसके लिए मुझे अच्छे वाकयात ढूंढने, जो कि जैसे मैंने कहा हर शख्स की जिंदगी में कुछ ना कुछ तो अच्छा हुआ होता है, कोई ना कोई ग्लिटरिंग इवेंट्स तो होते हैं। इवन इन अ डार्क नाइट देर आर स्टार्स, देयर इज द मून। तो यही कॉन्सेप्ट लेके हम नैरेटिव थेरेपी को आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें क्या क्या चीजें कार फरमा, लेट्स सी। आई एम कमिंग बैक टू माई एग्जाम्पल वेयर आई से अच्छा, अब नईम और तलत के साथ आप खेलते थे बचपन में, तो क्या करते थे, क्या खेलते थे? क्लाइंट कहते थे कुछ भी खेलते थे जो बच्चे खेलते हैं, बट यू डोंट वॉन्ट टू गिव अप हियर। तो अगर वो काफी मैस्कुलिन किस्म का क्लाइंट है तो मैं इस तरह की बात करूंगा, अच्छा आप कीड़ी काड़ा खेलते थे नहीं मरते लोग, तो वो फौरन वो हो सकता है कि गुस्से में भी आ जाए और कह नहीं जी वो तो लड़कियां खेलती हैं, हम क्रिकेट खेला करते थे। तो मैं कहूंगा कि अच्छा सिर्फ आप तीनों क्रिकेट खेलते थे और बच्चे नहीं होते थे? तो आप कहेंगे हाँ कई दफा हम दूसरे बच्चों को भी बीच में बुला लेते थे। मैं पूछूंगा मसलन, वो कहेगा जनाब कभी सिकंदर भी आ जाता था, कभी अकमल भी आ जाता था, कभी मुबशर भी खेल लेता। अच्छा अब हो क्या रहा है कि मैं उस वाक्य पे जो जो भी वो बचपन की चीज मुझे बता रहा है अच्छी वाली, उसमें अब मैं डिटेल ऐड करना चाह रहा हूं। क्यों? स्टोरी में डिटेल होती है, जो वैसे ही हम जिन चीजों को अपनी स्टोरी में से निकाल रहे होते हैं उनको हम डिटेल नहीं देते, उनको हम डेप्थ नहीं देते। यहां पे मैं स्ट्रेटेजिकली कुछ डेप्थ क्रिएट करना चाह रहा हूं। तो अब क्या होगा, अच्छा मैं पूछूंगा कि अच्छा तलत की आपको क्या बात पसंद थी? तलत की मुझे एक बात यह पसंद थी कि वो मुस्कुराता बहुत रहता था हर वक्त, और वो बड़ा धीमा इंसान था। अच्छा मैं पूछूंगा उस वक्त आपकी उम्र क्या थी, उसकी उम्र क्या थी, नईम की उम्र क्या थी? हम तीनों की उम्र 5 साल थी, हम क्लास 1 में थे, और तलत बड़ा खामोश खामोश रहता था लेकिन मुस्कुराता बहुत था, और इसकी वजह से मुझे उसके साथ बैठना भी अच्छा लगता था और उससे बात करना भी अच्छा लगता। तो अब आप उससे पूछ सकते हैं कि भाई अच्छा नईम की आपको क्या बात है? वो फिर क्लाइंट को सोचने पे मजबूर, क्योंकि इन बातों के बारे में मैं आपसे शर्तिया कहता हूं कि अक्सर लोगों ने नहीं सोचा होता, ये तो फिर वो लोग हैं जिन्होंने अपनी बड़ी नेगेटिव स्टोरीज बनाई। तो अब वो नईम के बारे में सोचेगा, कहेगा कि नईम में एक शरारती अंसर था, शरीर अंसर था, और वो कुछ शरारतें करता रहता। अब आप कहेंगे कि मसलन कोई शरारत याद है आपको? तो कहेगा हाँ मुझे याद है जब उसने तलत को तंग करने के लिए उसका जो लंच बॉक्स था वो छुपा दिया। अब हम एक स्टेप और आगे बढ़े। अच्छा तो अब हमने डिटरमिन कर लिया कि जनाब उसके दो दोस्त थे। अक्सर साइकोलॉजिस्ट जब हिस्ट्री ले रहे होते हैं क्लाइंट की, तो वो इस बात पे रुक जाते हैं कि जनाब बचपन में स्कूल में कोई दोस्त थे, लेकिन हमने उन दोस्तों के नाम भी जान लिए, और हमने न सिर्फ ये कि उन दोस्तों के नाम जाने, हमने उनके बारे में जो उनकी खसूसियात थी वो भी पूछी कि भाई तलत की क्या बात आपको पसंद थी, वो कैसी शख्सियत थी, और नईम की आपको क्या बात पसंद थी और वो कैसी शख्सियत थी। अब थोड़ा सा हम इसे आगे लेके चलेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और ये पूछेंगे कि तलत को आपके ख्याल में तलत को आपकी क्या चीज पसंद, आपकी क्या बात पसंद, और नईम को आपकी क्या बात पसंद। अब आप वो सोचने लग जाएगा, कहेगा भाई अक्सर जो मुझे इस तरह की थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट में जो जवाब मिलता है वो ये मिलता है कि इस बारे में मैंने कभी सोचा नहीं। फिर आप उसे कहते हैं गेस करें, जैसे आपको उनकी कोई चीजें अच्छी लगती थी उन्हें आपकी क्या बातें अच्छी लगती,
तो सोच के हो सकता है वो इस तरह का जवाब दे कि मेरे पास बड़ी अच्छी किताबें होती, या वो ये कह सकता है मुझे खेलने का बहुत शौक था और मुझे बहुत सी खेलें अच्छी आती थी और इसलिए वो मेरे साथ साथ रहते। ठीक है, अब अचानक एक क्रिमिनल, एक प्रिजनर, एक वायलेंट शख्स अपने बचपन के बारे में खुद कोई अच्छी बातें कर रहा और उसकी जो डिटेल है स्टोरी की आप बिल्ड कर। अच्छा, अब इन क्वेश्चंस को हम कहते हैं ओपनिंग स्पेस क्वेश्चंस। क्यों? हम उसकी जो मनफी स्टोरी है जिसमें अक्सर उसे मार पड़ती है, जिसमें अक्सर उसके साथ बुरा सलूक होता है, उसके साथ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज हो चुका है, उसके अलावा उसके टीचर्स ने उसे मार मार के फना कर दिया हुआ, ये सारे किस्से जो हैं वो आपको सुना चुका। छठी जमात में फिर उसकी दोस्तों से लड़ाई होनी शुरू हुई है, सातवीं में जो है उसने किसी लड़के का सर फाड़ दिया, आठवीं में जाके उसने चाकू निकाल लिया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट हियर द थेरेपिस्ट इज सेइंग, लुक, आप ये सब बातें बता चुके, पुलिस को बता चुके, पुलिस साइकोलॉजिस्ट को बता चुके, पिछले थेरेपिस्ट को बता चुके, मुझे बता चुके, अब मैंने कुछ और करना। मैंने आपसे ये पूछना है कि आपकी लाइफ स्टोरी है क्या, और वो लाइफ स्टोरी मैंने आपके साथ मिलके कंस्ट्रक्ट करनी है। ठीक है, और उसमें मैंने बहुत पीछे जाना है और बहुत सी ऐसी डिटेल्स पूछनी है जिनके बारे में शायद आपने सोचा भी ना। अब होता क्या है, इस प्रोसेस को करते करते हम एक ऐसी स्टोरी बना लेते हैं जो क्लाइंट की पिछली स्टोरी के साथ मैच ही नहीं करती। वो स्टोरी जो है जिसमें वो एक वायलेंट आदमी है, झगड़ालू आदमी है, जिसका बचपन बहुत तल्ख और परेशान गुजरा है, उस स्टोरी को हमने तब्दील करके एक ऐसे बच्चे की स्टोरी बना दिया है जिसके दो बड़े अच्छे दोस्त हैं और वो तीनों मिलके स्कूल के ग्राउंड में खेला गया। ठीक है, अभी हमने एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस की है जिसे हम कहते हैं ओपनिंग स्पेस क्वेश्चंस। वी आर क्रिएटिंग स्पेस फॉर न्यू स्टोरी। अच्छा, तो आपको कोई वाकया याद है कि तलत, नईम और आप जो हैं मिलके आपने कोई शरारत की? नहीं, ऐसा वाकया तो कोई याद नहीं, लेकिन हम आपस में एंजॉय बहुत करते थे और एक दफा मुझे याद है कि एक बर्थडे पार्टी में हम गए तो हमने मिलके जो है गाना गाया और शुरू में जो है हम काफी परेशान हुए थे, नर्वस हुए थे, लेकिन चूंकि हम मिलके गाना गाते रहते थे तो हमने उस बर्थडे पार्टी में जब गाना गाया तो सब लोगों ने बहुत तारीफ भी की और तालियां भी बजाई। नाउ यू विल टेक इट वन स्टेप फर्दर एंड यू विल से, अच्छा अब देखें कि ये एक तरफ इतना खतरनाक क्रिमिनल है जो बात बात पे सर फाड़ देता है, अब यहाँ बचपन में 6 साल की उम्र में ये तीन दोस्त जो है मिलके एक पार्टी पर गाना गा रहे हैं, एक और स्टोरी बन। अच्छा, आप मजीद उसे आगे ले जाएंगे और पूछेंगे अच्छा कौन सा गाना था, राइट? सो यू सी व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर सेइंग कि जिन बातों को आपने अभी तक अपनी जिंदगी में गैर अहम समझा है वो बहुत ही अहम चीजें हैं, बहुत ही अहम बातें हैं, वो बेकार की बातें नहीं है, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। अब क्या होगा कि मैंने उसे डेली जो अकरेंसेज हैं अच्छे वक्तों की, अच्छी बातों की, उनकी याद दिलाने के लिए उससे सवाल पूछना। अच्छा, मसलन आपका फेवरेट टीचर कौन था क्लास में? वो सोचेगा, कहेगा अच्छा फेवरेट टीचर थी मिस भट्टी। अच्छा क्यों? मिस भट्टी बिल्कुल मारती नहीं थी, वो बहुत प्यार करती। अच्छा, आपको भी प्यार करती? हाँ जी, मुझे भी बहुत ज्यादा प्यार करती। अच्छा, तो मिस भट्टी के बारे में कुछ और बताएं। अच्छा, वो आपको क्या पढ़ाती?
वो जी अंग्रेजी भी, उर्दू भी और ड्राइंग भी करवाते। अच्छा, तो आपको ड्राइंग आती है? नहीं जी, बस जो स्कूल में उन्होंने कराई थी वही याद। अच्छा, तो इस तरह अब क्या है कि अब पहले तो दोस्त है, फिर एक टीचर की तरफ ले आए, और वो टीचर कौन सा, जो कि उस बच्चे को पसंद है और उसकी अच्छी मेमोरीज हैं उस टीचर के साथ। सो नोटिस हाउ आई एम ट्राइंग टू स्टीयर क्लियर ऑफ अब्यूज ऑफ फादर, ऑफ फाइट्स, ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। आई एम फोकसिंग ऑन द ग्लिटरिंग इवेंट्स इन हिज लाइफ। अच्छा, तो आपने क्लास वन क्लास टू में आपको सब्जेक्ट कौन सा पसंद था, कौन सी थी? क्योंकि सब्जेक्ट तो ज्यादा होते नहीं थे, अंग्रेजी उर्दू ही होती थी, लेकिन जब तक मिस भट्टी पढ़ाती थी तो मुझे सब कुछ अच्छा लगता था, स्कूल बहुत अच्छा लगता। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि जनाब मिस भट्टी जो है वो चली गई, तो उनकी जगह मिस जोरा आ गई, जो उनके हाथ में एक बड़ा सा फुट्टा होता था और वो उस फुट्टे को इस्तेमाल करती थी हमें मारने के लिए। अब आपने देखा कि अब वो इससे पहले कि मिस जोरा की कहानी शुरू हो जो फुट्टे से मारती थी, आप टैक्ट फिर चेंज कर, व्हाट आर यू गोइंग टू डू नाउ? यू गोइंग टू नाउ से अच्छा, तो मिस भट्टी जब चली गई तो आपने उन्हें बहुत मिस किया। अब ये वो शख्स है जो बहुत ही मैचो है, बहुत ही उसका मेल इमेज है अभी, लेकिन आपने उसे बचपन की बातों में उससे खेल, प्यार, मोहब्बत, दोस्ती, इस किस्म की बातें उसमें खुद ब खुद उभर रही, तो अब एक और इमोशनल एक्सपीरियंस जो मिस करने का, किसी को, किसी के लिए उदास होने का, उसके बारे में पूछ रहे हैं। वो कहेगा हाँ जी मुझे उनके लिए मैं बहुत उदास हुआ, बल्कि वो हमारे करीब ही रहती थी, तो जब वो स्कूल से चली गई तो मैं उनके लिए एक कार्ड मैंने बनाया ख़ास तौर पे, और उनके घर में उन्हें दे के आया, और उन्होंने भी बड़े प्यार से मुझे बिठाया और खाने पीने को ऑफर किया। नाउ इसी के अब हम ओपनिंग स्पेस से थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, वी आर नाउ गोइंग टू डिवेलप दीज इनटू स्टोरीज। ठीक है, अच्छा अब हम कहते हैं कि जनाब अच्छा छठी जमात में आपकी पहली लड़ाई हुई, और वो इस बात पे हुई कि उस दोस्त ने आपकी किताब छीन के फाड़ डाली। अब फर्ज करें कि आपका दोस्त ये किताब छीन के ना फाड़ता तो क्या होता? अब इसी तरह के सवाल जो हैं हम पूछते रहते हैं और इसी तरह के जवाब क्लाइंट देता रहता। I will continue talking about narrative therapy in the next lecture. But until that time, I want you to think about the difference that this therapy provides in terms of client self-esteem, motivation and behavior. Khuda hafiz.